दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि सांप और नेवले की लड़ाई में हमेशा जीत नेवले की ही होती है और नेवला सांप के टुकड़े टुकड़े करके खा जाता है। आपको बता देते हैं कि नेवला भैया एक निडर जानवर है जो कई बार शेर दादा से भी पंगा ले लेता है। और वहीं दूसरी तरफ किंग कोबरा दूर से ही अपने शिकार पर जहर फेंक सकता है, जिस वजह से दूसरे जीव इसके आसपास भी नहीं भटकते। दोस्तों, नेवले के शरीर में सांपों का जहर कोई ज्यादा असर नहीं करता, जबकि किंग कोबरा अपने जहर से एक बड़े अफ्रीकन हाथी को मार सकता है। दोस्तों, नेवले की पकड़ बहुत ही मजबूत होती है, जिसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर बात करें किंग कोबरा की, तो इसकी लंबाई 18 फीट तक होती है, जिसका फायदा उठाकर यह अपने शिकार को बुरी तरह जकड़ लेता है। किंग कोबरा को दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर भी कहा जाता है। वहीं अगर बात करें किंग कोबरा और नेवले की लड़ाई की, तो अगर किंग कोबरा ने नेवले को डस लिया तो नेवला कुछ देर के लिए कमजोर हो जाएगा और इसका फायदा उठाकर किंग कोबरा उसे जकड़कर मार सकता है। वहीं अगर हमारे नेवले भैया किंग कोबरा जी के हमले से बच गए, तो यहाँ पर किंग कोबरा जी के जीतने के चांसेस बहुत ही कम पड़ जाएंगे।